नमस्कार दोस्तों, मुझे हर वक्त एक चीज़ कही जाती है, हर वक्त मुझे एक सवाल आता है, वो है स्केचअप की तरफ से। जैसे कि कभी हम साइट पे गए और हैंड ड्राइंग किया, जैसे ये हैंड ड्राइंग है, ठीक है, ये मैंने एक सिंपल बेडरूम निकाला हुआ है और ये हाथों से निकाला हुआ है। जब भी हम साइट पे जाते हैं, रेखी करते हैं उस साइट की, बराबर ना, अपने को कहाँ इंटीरियर में क्या चाहिए, स्पेस मैनेजमेंट कैसी करनी है, तो उसके लिए हम पहला रफ ड्राइंग अपने माइंड में सेट करवा के लेते हैं, उसके बाद में हम पेपर में ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का कितना भी स्पीड होने दो, बट डायरेक्टली जो स्पीड है वो अपने माइंड से तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेन और पेपर से हम तुरंत ड्राफ्टिंग करना चालू कर देते हैं कि कितना फिट क्या है, कितना फिट क्या है। तो चैलेंज ये है कि ये जो मैंने जो ड्राफ्टिंग किया हुआ है, हैंड ड्राइंग जो किया हुआ है, उसको सही तरीके से स्केचअप में कैसे करें, ये हर वक्त मुझे सवाल आता है और इसका जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो लास्ट तक देखना और प्रॉपर देखना ताकि आपको जो प्रोसेस है आपको ठीक तरह समझे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। सो दोस्तों, आपको स्केचअप, वीरे और फोटोशॉप अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो मैं आपको पढ़ाऊँगा स्केचअप में मॉडलिंग कैसे करना है, फिर मॉडलिंग के बाद हम सारा चीज़ वीरे में करेंगे, उसमें टेक्सचरिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग होगा जो कि एकदम रियलिस्टिक कैसे करना है, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ये पूरे सॉफ्टवेयर सीखने के बाद मैं आपको पोर्टफोलियो डेवलप करके दूंगा, यहाँ से ऑथोराइज्ड की फ्रेम्स एनिमेशन से आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन। अगर आपको सीखना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं यहाँ से जो मेरा हैंड ड्राइंग स्केच है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मैं जब इंपोर्ट करता हूँ तो पहला चैलेंज देखो क्या होता है। एक तो मुझे यहाँ पे परफेक्टली प्लेस करना है, राइट, ये जो मेरा ड्राइंग है ना, ये मुझे परफेक्टली यहाँ पे प्लेस करना है। लेट्स से मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, बट ये क्या है ना, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्पेस है ना, ये पर्सपेक्टिव है एक्चुअली, ये ऑर्थो नहीं है। ऑर्थो में क्या होता है, अपने को परफेक्टली स्केल टू स्केल हम उसको प्रॉपर देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ स्केल कर सकते, स्केल तो दोनों में भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एक क्या बोलते हैं ना, एक विजुअल कॉन्फिडेंस होता है ना अपना, कि जब भी हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो कॉर्नर टू कॉर्नर प्रॉपर वो इंपोर्ट हो, वो कॉन्फिडेंस अपने को पैरेलल प्रोजेक्शन में अच्छा आता है, ठीक है। मैं वापस एस्केप करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कैसा होता है। कैमरा में जाओगे, सी बाय डिफ़ॉल्ट इट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, और आई टेक दिस पैरेलल प्रोजेक्शन। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में ऐसा करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, एक्चुअली इट इज़ मेंट फॉर ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू कौन सा है, पर्सपेक्टिव को छोड़ के सारे ऑर्थो है, ठीक है ना। सो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ टॉप में, ठीक है, यहाँ पे देखो आपका टॉप दिखाई देगा कि ये टॉप व्यू पोर्ट है। यहाँ पे तुम जाओगे, ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, जो कुछ भी। तो अपने को अभी टॉप चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारा अपना जो मॉडल खड़ा था ये वो मॉडल है और ये अपना एक्सिस है, ठीक है। सो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके और मिडल माउस प्रेस कर पैन करता हूँ, ठीक है, पैन का ऑप्शन ये भी यहाँ भी है, तुम ऐसे भी पैन कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ मुझे ऐसा रखना है, ठीक है, यहाँ से इस कॉर्नर से मुझे ट्रैक करना है। मैं वापस जाता हूँ, फाइल, इम्पोर्ट, ये जो ड्राइंग है यहाँ पे ओपन करता हूँ। अभी यहाँ पे तुम देखोगे ना, ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में तुम जेपेक, टीफ, सारा चीज़ है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस डायरेक्टली तुम इंपोर्ट कर सकते हो। हम उसमें से पीडीएफ भी ले सकते हैं, जेपेक भी ले सकते हैं, पीएनजी भी ले सकते हैं, ठीक है, पीएसडी भी ले सकते हैं, ऑल्दो इतना कोई एक्सटेंड में जाता नहीं कि पीएसडी डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट करे, ठीक है ना। सो लेट्स से इंपोर्ट। जनरली हम क्या करते हैं, मोबाइल से जो भी मतलब पेपर में जो हमने ड्राइंग किया है वही डायरेक्टली मोबाइल से फ़ोटो निकालते हैं क्लाइंट के पास और वो डायरेक्टली हम जनरली बनाते हैं। सो लेट्स से मैं इस पॉइंट से ड्रैग करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से ड्रैग करता हूँ। अभी देखा जाए तो
ये जो ड्राइंग बनने वाला है, ठीक है, मुझे इसका कोई मेजरमेंट मालूम नहीं है कि कितना स्केल में उसको स्केल करना है नहीं करना है, कुछ मालूम नहीं है, ठीक है ना। मैंने एक सिंपल बेडरूम बनाया 12 फीट बाय 11 फीट का, मतलब चौकोनी है वो, ठीक है। और जब भी मैंने ये चीज़ बनाया ना, मतलब एकदम रफ ड्राइंग बनाया, इसके ऊपर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होती है बाद में जाकर, बट बेसिक जो ढांचा है उसका मुझे अभी तक तो प्रॉपर ये मालूम नहीं है, ठीक है, स्केलिंग मालूम नहीं है। तो मैं लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 10 फीट करके, ठीक है। तो ये बन गया 10 फीट का मेजरमेंट आ गया, इसका मतलब टोटल इसका 10 फीट का ये ट्रैक हो गया, ओके। अभी लेट्स से यहाँ से यहाँ 12 फीट है, यहाँ से यहाँ 11 फीट है, मतलब यहाँ से यहाँ तो 11 फीट है, ठीक है ना। तो जब भी हम स्केच करते हैं ना तभी स्ट्रेट लाइन होंगी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला हम ड्राइंग को उसके स्केल के हिसाब से स्केल कर लेते हैं, उसके स्केल के हिसाब से, ठीक है ना। इसका जो स्केल क्या है 11 फीट है ना, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मोटा मोटी एक 11 फीट होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ से लाइन बनाऊँ इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस पॉइंट से अगर मैंने ऐसे लाइन बनाऊँ तो ये कितना है 4 फुट 4.5 फुट है, ठीक है ना, विच इज़ एब्सर्ड, मतलब ये कुछ अलग ही है, मतलब वेयर एज मैंने ट्रैक किया था 10 फीट, बराबर कि नहीं। तो यहाँ एटलीस्ट उसका कुछ तो आना चाहिए, तो मतलब उसका कुछ रिलेशन नहीं है। तो अगर हमने अभी ऐसा करना चालू किया तो ये पूरी तरह से गलत बनेगा, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको स्केल करते हैं, इफ़ यू गो टू स्केलिंग, इसको स्केल करते हैं, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं स्केल से इस प्रोसेस में ना बहुत कन्फ्यूजन है, मतलब ये जो प्रोसेस अगर तुम स्केलिंग करोगे तो परफेक्टली मुझे नहीं लगता है स्केलिंग में ये सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है मालूम है, गो टू टेप टूल, ओके, यहाँ पे टेप टूल है ना, ओके। तो टेप टूल से क्या करना है, यहाँ पे इस कॉर्नर को लेकर, ठीक है, इस कॉर्नर से लेकर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट। कितना कितना दिख रहा है ये मेजरमेंट, जस्ट होल्ड ऑन, देखो यहाँ पे एकदम सीधा इधर आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जो भी जैसा भी है, मतलब इसी पॉइंट से अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, अभी अपने को जो चाहिए मेजरमेंट वो डालना है, ठीक है। मैं एक बार ये वापस दिखाता हूँ, एस्केप करता हूँ, मैं यहाँ से लिया टेप टूल, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, एक इस पॉइंट पे क्लिक करो, ठीक है, इस पॉइंट से क्लिक करो, या तो इस पॉइंट से करो, इस पॉइंट से करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से करेंगे सीधा, ठीक है, क्लिक करता हूँ यहाँ से। अभी मुझे जितना मेजरमेंट चाहिए उस वॉल का, जितना मैंने डाला है कुछ 11 फीट डाला है, ठीक है, तो 11 फीट, फीट, प्रेस एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, पूछेगा कि आपको ये मॉडल, मतलब ये जो स्केच है उसको रिसाइज करना है क्या, जो आपने अभी स्केलिंग डाला हुआ है, ओके, लोड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल्स, ऐसे यस। देखो कितना बड़ा हो गया वो, मतलब एक्चुअल में 11 फीट कैसा होना चाहिए वो अभी दिख रहा है, ओके। नाउ लेट्स से मैं वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता हूँ, हो गया ना, मोटा मोटी देखो 11 फीट आ गया मेरा, ओके। तो लेट्स से मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ सीधा, ओके, 11 फीट, ठीक है। अब एस्केप करता हूँ, अब यहाँ पे कितना है 12 फीट देख लेंगे वापस। देखो यहाँ पे मैंने लिया है, ये है 11 फीट, जो भी परफेक्ट 11 फीट आ गया। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेकर हमको देना है 12 फीट, ओके। तो अभी दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे कैसा आ रहा है वो। लेट्स से ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इसका एंड पॉइंट है, तो यहाँ से हम लेंगे लेट्स से कितना जा रहा है देखो, ठीक है, हो गया प्रॉब्लम। इसका रीज़न क्या होता है, जब भी हम एक्चुअल में कोई स्केच करते हैं ना, रफ स्केच करते हैं,
तो दिखने के लिए स्केच में विजुअली वो ठीक दिखता है, बट जब ये एक्चुअल मेजरमेंट डाले तो 19-22 का जो फ़र्क होता है वो ये है। बट 19-22 का फ़र्क स्केचिंग में रफ में चलता है, बट 19-22 का फ़र्क अपने को विजुअलाइजेशन में, या तो कि मॉडल बनाते वक्त हम 19 और 22 में बहुत फ़र्क है ना, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या करें मालूम है इसको, कितना लिखा है इधर 12 फीट, ओके तो सीधा यहाँ पे 12 फीट डालो, एंटर, ठीक है, एस्केप करता हूँ, ठीक है, 12 फीट ही डालना है, जो मेजरमेंट दिया है वो ही डालना है, भले उसको एक्सीड करो या नहीं करो, क्योंकि क्या होगा पूरी तरह से टाइम पास होगा। अब मैं यहाँ से करूँगा तो वापस वो स्केलिंग, अगर 12 फीट अगर मैं लेते हूँ तो आई एम मेस्ड अप विद दिस मेजरमेंट, मतलब मैं यहाँ से वापस छूट जाऊँगा, फिर यहाँ पे वो शॉर्ट बनेगा, फिर इसको करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम मतलब इसमें ही खेलते बैठेंगे, तो दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो उसके लिए अभी इसका आगे का क्या है, इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करो, मिडल माउस प्रेस करो, यहाँ पे रख दो, मूव टूल ले लो, सीधा इसको साइड में लेके आ जाओ, अभी जो भी ड्राफ्टिंग चलेगा वो यहाँ चलेगा। कैसे, अगर मैंने समझो टेप में से अगर दोनों को मेजर किया, यहाँ से कितना मिला मुझे परफेक्ट 11 फीट, यहाँ कितना मिला मुझे परफेक्ट 12 फीट। सो लेट्स से मैं यहाँ से जाता हूँ लाइन टूल में वापस, एक ऐसे ले लिया, ऐसे भी ले सकता हूँ यहाँ से, डन। चलो अब मैं ऑफसेट टूल लेता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये ऑफसेट टूल बाहर बाहर का कितना होता है थिकनेस, इंटरनल वॉल बोल रहा हूँ 6 इंच, एक्सटर्नल कर रहे हो तो 9 इंच, मतलब 9 इंच मिनिमम रूल है। सो 6 इंच, ये 6 इंच मतलब रूल नहीं है, उसको तुम 4 इंच भी कर सकते हो क्योंकि वो इंटरनल में बैठता है, ठीक है, इंटरनल में कोई रूल्स नहीं है। तो एंटर, तो 6 इंच की दीवार बन गई, मतलब ऑफसेट बन गया। ओके सो लेट्स से अब मैं व्यू में कैमरा में जाता हूँ और कैमरा में वापस पर्सपेक्टिव कर देता हूँ। तो जैसे ही पर्सपेक्टिव कर देंगे तो ये देखो ये कैसे छूट जाता है, मतलब रिलीज हो जाता है पूरा, यहाँ से अपने को सारा एंगल दिखने लगता है। ओके यहाँ से मिडिल माउस प्रेस करता हूँ और आई कैन मेक इट लाइक दिस, ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और पुश पुश एंड पुल टूल से ऊपर लेता हूँ और इसको लेता हूँ से 8 फीट, ओके और यहां से टेप लेता हूं, और यहां से 2 फीट, मतलब इतना, ठीक है, और 2 फीट से आगे 3 फीट, ठीक है, तो बोलोगे अभी क्या है ये, तो ये हो गया अपना ओपनिंग यहाँ से, ओके और ये हो गया नीचे इतना, राइट। फिर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मूव टूल में आता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ और नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फाइव चाहिए, 42, ठीक
ओके, तो समझ लो मोटा मोटा यहाँ पे रख दिया मैंने, सिलेक्ट करता हूँ इसको और ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब विंडो एकदम बीच में है राइट, तो यहाँ से मैं पहले तो फ्लोरिंग को सिलेक्ट करके इसको रिवर्स कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे कोई मैपिंग को तकलीफ ना हो, और यहाँ से ओके ओके। तो बेसिकली मुझे अभी करना है सिल लेवल, ठीक है ना, इसको सिल लेवल लेना है। लेट्स से यहाँ तक मेरा सिल लेवल आएगा विंडो का, और लेट्स से थ्री फीट का हमने विंडो रख दिया, और मतलब लिंटल लेवल रख दिया, लिंटल लेवल अपना इसको मैच होना चाहिए। ठीक है, सो वो कर देंगे, पहला एक कॉमन लिंटल लेवल रखेंगे। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ से टेप लेता हूँ यहाँ से मेजर, और यहाँ से सिंपल 3 फीट डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने जो ऊपर का एक्सट्रीम रखा है ना, मैंने स्लैब लेवल वो 10 फीट का होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए एक्चुअली 8 फीट रखा है, तो जनरली 8 फीट अपना लिंटल लेवल होता है। ओके, सो यहाँ से अगर मैं लेट्स से 4 फीट लेता हूँ तो मेरा विंडो इधर तक जाता है 4 फीट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 3 फीट अभी के लिए, ठीक है, 3 फीट का विंडो हो गया, और मुझे लेना है इस को मुझे यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको अगर 3 फीट रखता हूँ तो मुझे यहाँ तक लाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मेंटेन रखना है। स्टैंडर्ड क्या है अपना, 4 फीट स्टैंडर्ड है। ओके, और एक्चुअल में ऊपर का टॉप 10 फीट होता है ऊपर का, बट ऊपर का जो नीचे का जो पोर्शन है मतलब अपना जो सीलिंग लगता है वो एक्चुअल में देखा जाए तो 9 फीट 6 इंच का रहता है। ओके, सो लेट्स से मैं जो सिल लेवल है, सिल लेवल से यहाँ से लेता हूँ 4 फीट स्टैंडर्ड, चलो मेंटेन करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया 4 फीट। ठीक है, तो ये रहेगा इसका लिंटल लेवल। तो यहाँ से मैं एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ, तो इसको अपने को नीचे लाना पड़ेगा। सो लेट्स से यहाँ से मैं, अरे यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके नीचे ले लेता हूँ, ये ऐसे, ये अपना रेफरेंस लाइन है, डन, ये परफेक्टली मैच हो गया अपना लिंटल लेवल। लिंटल लेवल ऐसा क्लियर क्लियर कट अपना मैच हो गया राइट। मैं अभी यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे अभी ड्राफ्टिंग में ना मुझे टाइम नहीं घलाना है, ठीक है। सो यहाँ से मैंने एक विंडो बना दी, ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से मुझे थ्रू एंड थ्रू विंडो मिल गई राइट। मुझे बताना ये था इस टॉप मतलब इस वीडियो में कि हैंड ड्राइंग को हम तुरंत कैसे बनाएंगे स्केचअप में, जो अपने को चैलेंज आता है ना, तो वो है। और यस, अगर तुम्हारे पास कॉस्मोस है, और कॉस्मोस में तुम यहाँ से इफ़ यू क्लिक ऑन कॉस्मोस एंड से बेडरूम, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली हम बेड्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बेड इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना प्रॉपर बेड बैठ गया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पॉपुलेट करने में और रेंडर करने में राइट।
तो यही था आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ सीखने मिला होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताना, या आपके पास कुछ अलग टेक्निक है, इससे भी अच्छी टेक्निक है, हो सकती है ना, मतलब कोई R&D करके या उसके पास कोई टेक्निक हो सकती है, तो उसका भी नीचे कमेंट डाल के बताना कि कोई अलग टेक्निक है तो मैं भी उसको चेक करूँगा। हम कनेक्ट करेंगे, अगर अच्छी टेक्निक रहेंगे तो हम कनेक्ट करेंगे। सो एज एन ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।